हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा की सब्जी, राजमा मसाला। तो फ्रेंड्स, राजमे की मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली हुई है चैनल पे, तो ये जो मैं सब्जी बना रही हूँ बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही जल्दी बना रही हूँ, तो ज़रूर देखें और ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने राजमे को भिगो रखा है और ये अच्छे से फूल भी गया है और ये पिंक वाला राजमा है। तो राजमे को बनाने से सात से आठ घंटे पहले ही भिगो दें, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है और उसे फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं राजमे को पानी से बाहर निकाल लूँगी, दो तीन पानी धो के, उसके बाद इसमें फ्रेश पानी के साथ इसे मैं कुकर में डाल दूँगी। तो मैंने इसे कुकर में डाल दिया है और 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है, और साथ में छिला हुआ लहसुन डाल देती हूँ मैं, 4 प्याज साफ किया हुआ, 2 टमाटर, थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, लवंग, ये सब मतलब जो भी होते हैं गरम मसाले में, मसाला, हल्का सा नमक मैंने डाल दिया है। अब कुकर को सेट करके अब 2 सीटी हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और राजमा में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन इस सब्जी को बनाते टाइम आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, 2 सीटी लगने के बाद हमने कुकर को खोल लिया है और राजमा जो है बहुत अच्छे से गल गया है। 2 ही सीटी में ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो फटाफट से सभी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं, गरम मसाला, प्याज, टमाटर, लहसुन, सभी को हम एक जगह निकाल लेते हैं फटाफट से। इतना आसान सब्जी बनाने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो एक बार से जरूर इस तरीके को अपनाएं और ट्राई करें, और सब्जी बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार अगर आप इस तरीके से सब्जी बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो बार बार यही तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे मसाले को इसके अंदर डाल दिया है, एक बार पीस लेंगे फटाफट से। हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, जिसमें हम 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। हींग के बिना कोई भी सब्जी नहीं बनती है। यहाँ मैं सूखा मिर्च और तेज़पात डाल दी हूँ, और जो मैंने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई थी उसे हमने डाल दिया है। तो इन मसालों को हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये जो मसाले होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत तेज़ी से छाटे देते हैं, इससे आपकी स्किन भी जल सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नमक डाल रही हूँ, नमक हमने पहले भी डाला, इस चीज़ का ध्यान रख के डालें। यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और कश्मीरी मिर्च डाल के और मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पकाएंगे इसे ताकि कलर उभर के आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मसाले हमने ऐड किए थे वो पक चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स छोले मसाले। एवरेस्ट का छोला मसाला मैंने लिया है। तो राजमा का छोला बनाइए, सब्जी बनाइए, उसमें ये मसाला चल सकता है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने छोले मसाले डाल दिया है। गरम मसाला तो मैंने पहले ही डाला था। अब हमने इसे कवर कर दिया है फ्रेंड्स। एक बार फिर से इसे चला लेते हैं, मसाले को थोड़ा सा और पकाएंगे। वापस से इसे हम कवर कर देते हैं, 5 मिनट के बाद फिर से चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है और मसालों में ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारा मसाला भुन चुका है, और कितना अच्छा कलर आया है इस मसाले का। तो यहाँ पे अभी इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी के साथ राजमा। तो जिस पानी से हमने बॉयल किया था राजमे को, इसीलिए आप फ्रेश पानी का यूज करें। तो उस पानी के साथ ही हम राजमे को इसके अंदर डाल दिए हैं, और 2 से 3 उबाल आने तक का वेट करेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ देखिए, उबल रहा है राजमा हमारा, और जो ये राजमा मसाला है फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से पक चुका है। अभी हमारा सब्जी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, रेडी है, कुक हो चुका है। तो आइए चलते हैं फटाफट से सर्व करने। तो ये झटपट बनने वाला राजमा मसाला कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा, और इतना आसान कोई भी आपको नहीं शेयर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इसे सर्व कर रहे हैं।
कितना लजीज, कितना लाजवाब, कितना टेस्टी बना हुआ है ये। अब बहुत ही स्पाइसी बनाया मैंने इसे, तो फ्रेंड्स जरूर से बनाएं, खाएं और इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।